देखना, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है वो दो मोशन से बनी हुई है, ट्रांसलेशन एज वेल एज प्योर रोटेशन। तो इमेजिन करते हैं ट्रांसलेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, वी या वी सेंटर ऑफ मास ऐसे कर लेते हैं। ये जो पार्टिकल है ये भी आगे मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास, ये भी आगे मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास, ये भी आगे मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये पार्टिकल भी आगे मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशन में हर कोई बॉडी का पार्टिकल कैसे मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास। क्लियर है यहाँ तक? ये रूल क्लियर है। अब बात करते हैं प्योर रोटेशन की। प्योर रोटेशन में सेंटर ऑफ मास किस पे रहता है? एट रेस्ट। तो इसकी वेलोसिटी क्या रहती है? जीरो। और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? आर टाइम्स ओमेगा, क्योंकि सारे पार्टिकल घूम रहे हैं। आर टाइम्स ओमेगा, इस पार्टिकल की आर टाइम्स ओमेगा, इस पार्टिकल की आर टाइम्स ओमेगा, और इस पार्टिकल की आर टाइम्स ओमेगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इसके अंदर ये ट्रांसलेशन मोशन है और वो रोटेशन मोशन है। ठीक। अब चले रोलिंग पे। रोलिंग में एक काम करते हैं, सबसे टॉप का पार्टिकल देखो, सबसे टॉप के पार्टिकल का, क्योंकि हमें इन दोनों को कंबाइन करके वहां लेके जाना है वेलोसिटी द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका वेक्टर कहां पर है? राइट। इसका वेक्टर कहां पर है? राइट। तो फिर इसका वेलोसिटी नेट वेक्टर क्या होगा? वी सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा। तो यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? दोनों को कंबाइन करके रोलिंग आ गई। अब बात करते हैं किसकी? सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास में इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी सेंटर ऑफ मास। इसकी क्या है? जीरो। तो इसकी क्या आएगी? वी सेंटर ऑफ मास। ठीक है। नेक्स्ट है, इस पार्टिकल की बात करते हैं तो ट्रांसलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी कितनी है? वी सेंटर ऑफ मास। रोटेशन की वजह से कितनी है? आर टाइम्स ओमेगा। ये दो वेक्टर ऐसे ऐड होंगे यहां पे। लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, लोएस्ट पॉइंट में ये क्या है? आर ओमेगा। और ये क्या है? वी सेंटर ऑफ मास। एक राइट वेक्टर है, एक लेफ्ट वेक्टर है। ठीक। नेक्स्ट है, यहां पे वेलोसिटी कितनी है? आर टाइम्स ओमेगा। और यहां पे वेलोसिटी कितनी है? वी सेंटर ऑफ मास। सही है। इन दोनों वेक्टर को जैसे थे उनको कंबाइन करके रोलिंग बना दी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि रोलिंग में हर पार्टिकल की वेलोसिटीज कैसे दिखी जाती हैं। तो रोलिंग ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कॉम्बिनेशन है, तो ये वेलोसिटीज हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट किया हुआ है, ये बन गया डायग्राम यहां तक। ठीक। हमने एक चीज की हुई है कि प्योर रोलिंग में ये देखो, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग एक रिजल्ट किया था। क्या रिजल्ट किया था? जब बॉडी प्योर रोल करती है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? आर ओमेगा। ये हमने किया था, वी सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा। तो यानी कि प्योर रोलिंग में वी सेंटर ऑफ मास एंड आर ओमेगा इज वन एंड दी सेम थिंग, तो एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, देखो इस डायग्राम में जो फाइनल डायग्राम है वेक्टर के साथ, वेक्टर के साथ एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं टू टाइम वी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। इसको लिख लेते हैं वी सेंटर ऑफ मास, सही है ना? क्योंकि आर ओमेगा रोलिंग में क्या होता है? वी सेंटर ऑफ मास। तो वी सेंटर ऑफ मास प्लस वी सेंटर ऑफ मास ट्वाइस वी सेंटर ऑफ मास। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या हुआ? वी सेंटर ऑफ मास और आर ओमेगा आपस में कैंसिल हो गया, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। चेक कर लो, रोलिंग में सबसे बॉटम की पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है, याद रखना। अब यहां की बात करते हैं, यहां पे एक वेक्टर ट्रांसलेशन का है और एक वेक्टर रोटेशन का है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नेट आंसर क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ टू वी, रूट टू वी वेक्टर सम। कहां पे? इस तरफ। और उसी तरीके से यहां की बात करते हैं, तो एक वैल्यू वी सेंटर ऑफ मास है, ये वी सेंटर ऑफ मास कर लेना,
वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास, तो एक वी सेंटर ऑफ मास है, एक वी सेंटर ऑफ मास है, तो नेट वेक्टर यहां पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ वी टाइम्स सेंटर ऑफ मास। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है रोलिंग का। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो बताओ इन केस ऑफ प्योर रोलिंग टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। 2 टाइम वी सेंटर ऑफ मास कितना, 2 टाइम 10 कितना, 20 मीटर पर सेकंड, और बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। समझ में आ रहा है कि कैसे ऑब्जेक्टिव के अंदर सीधा मार्क करना है। तो आपकी बुक्स ऐसे मार्किंग करके दिखाएगी, और आप कोई बुक ओपन कर लें आपको ऐसे डायग्राम बहुत सारे दिखेंगे उसमें बुक्स में। कि ट्रांसलेशन में वी सेंटर ऑफ मास है, रोटेशन में है ही नहीं, ऐड करो वेक्टर सम वी सेंटर ऑफ मास, वेक्टर सम कर रहे हैं हम तो। क्या ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक। और ये रिजल्ट सिर्फ प्योर रोलिंग में ही चलता है, प्योर रोटेशन में नहीं चलता। फर्क है, एक बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है, बस खड़ी खड़ी घूमे जा रही है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं है। तो खड़ी खड़ी घूम रही है, तो अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, हाफ होगी, 5/0। भाई खड़ी खड़ी घूम रही है, बोल तो रहा हूं रोलिंग है ही नहीं, तो ये रिजल्ट मत लगा देना। खड़ी खड़ी घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट, नहीं चलेगा। और ये तो बिल्कुल मत लगा देना, सर्कुलर मोशन के रिजल्ट लगाना सिंपल। ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ किस में चलेंगे, इन प्योर रोलिंग। पहला क्वेश्चन जो घर जाके माइंड में आएगा, ये क्या चक्कर है, बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0, मतलब गाड़ी का टायर रोल कर गया और बॉटम मोस्ट पॉइंट मूव ही नहीं किया, ये कैसे हो सकता है, ये अजीब बात है। ठीक, तो पहला आंसर कि बॉटम मोस्ट पॉइंट 0 का मतलब ये है, आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं ये बोलता हूँ बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 0 है, आप ये इमेजिन करें कि आपका एक्सिस ओ नहीं है, आपका एक्सिस ओ डैश है। अब इमेजिन करो इसको एक्सिस, क्योंकि जो चीज़ रेस्ट पे होगी, जो पार्टिकल रेस्ट पे होगा उसमें से एक्सिस पास करेगा। तो इमेजिन करें कि ये एक्सिस है, ये नहीं एक्सिस, ये एक्सिस है, और सारे पार्टिकल, नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपको कि ये क्या चक्कर है, कल तक तो एक्सिस यही था, और आपने हमेशा सिखाया कि सारे पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहे हैं, बिल्कुल सही सिखाया। आज आप कह रहे हो कि ये एक्सिस है, 2 मिनट के लिए मान लो अगर ये एक्सिस है तो सारे पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहेगा, इवन सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल भी घूमेगा, ये भी और ये भी। तो आपको ये बड़ी हैरानगी होगी सुन के कि अगर तुम न्यूमेरिकल में, रोलिंग में, सिर्फ रोलिंग के न्यूमेरिकल्स में एक्सिस को ये लो या ये लो, तुम्हारा आंसर सेम आता है, तुम्हें ये नहीं हो सकता, आई चेंज हो जाता है, लेकिन वो तब सेम आएगा अगर तुमने ये एक्सिस लिया और सेंटर ऑफ मास, अब रेस्ट पे नहीं लेना, सेंटर ऑफ मास भी सारे पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहे हैं, और अगर तुम ये एक्सिस लेते हो फिर सारे पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहे हैं। मैं तुम्हें अगले लेक्चर में करके दिखा दूंगा एक्सिस चेंज करके कि तुमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सिस ये और ये कोई भी ले सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो क्या करने पड़ते हैं, एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, IOR, क्योंकि जो आपका एक्सिस अब ये नहीं रहा, आपका एक्सिस ये है, और जब ये बॉडी रोल करेगी आपका एक्सिस यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, अगले इंस्टेंट पे यहाँ हो जाएगा, अगले पे यहाँ हो जाएगा, इसे बोलते हैं जो एक्सिस इसकी यहाँ से पास करता है इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये काम कैसे करता है इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है, किसी भी एडवांस के अंदर, किसी भी अच्छी बुक एच सी वर्मा के अंदर भी IOR को डिस्कस किया गया है, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन आप चिंता ना करें। आप सोच रहे होंगे यार एक्सिस यहाँ लेना पड़ेगा, मत लें, ऑप्शनल है, तुम्हारा आंसर सेंटर से आ रहा है तुम सेंटर से ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तुम किताबों के सॉल्यूशन पढ़ोगे, अब किताब का ऑथर तो उसकी मर्जी, उसको पसंद है यहाँ एक्सिस लेना, तुमको कि ये क्या चक्कर है,
कि डिस्क घूम रही थी सर, एक्सेस देखना ये ले लिया, पता नहीं क्यों ले लिया, और कभी कभी ये ले रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्चुअल में करता क्या है, एक्सेस को शिफ्ट कैसे कर देता है। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि कहीं आपके रास्ते में अगर वो टकरा गया, एटलीस्ट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी एक्सेस ऐसा क्यों आंसर सही देता है। चलो ये तो अगली बार का काम है। एक और आंसर है मेरे पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो का। कोई स्टूडेंट कहता है देखो जी उस इंस्टेंट पर पार्टिकल को देखा था वो रेस्ट पे था, फिर अगले इंस्टेंट पे दूसरे पार्टिकल ने रिप्लेस कर दिया। मैंने कहा देख ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं बैठेगी। तो मैंने कहा फिर एक और एक्सप्लेनेशन सुन, ये जो टायर है वो रोल कर रहा है, घिसट तो नहीं रहा, स्लाइडिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर स्लाइडिंग होती तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की भी क्या जाती, कुछ वेलोसिटी, तभी तो फ्रिक्शन आती और काइनेटिक आती। अब क्योंकि टायर तो घिसट नहीं रहा, काइनेटिक फ्रिक्शन तो है नहीं, तो कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक, और स्टैटिक तभी हो सकती है जब बॉटम मोस्ट पॉइंट किस पे पड़ा होगा, एट रेस्ट, और देखो ये रेस्ट पे है। तो अगला लेक्चर भी फ्रिक्शन का है, यहीं से शुरू होगा कि देखा बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे है, तभी तो फ्रिक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक, काइनेटिक नहीं है, क्योंकि काइनेटिक में पार्टिकल जो है वो घिसटता हुआ जाएगा किसी वेलोसिटी के साथ, जिसे इम्प्योर रोलिंग बोलते हैं। और अब तक हम क्या कर रहे हैं, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में तो यही रिजल्ट चलते हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों के आंसर आपको नेक्स्ट टाइम मिलने वाले हैं, बट आपको यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या समझाया? फिलहाल तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि ये वेलोसिटीज कैसे निकलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और